इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर क्रोम ब्राउजर का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन करें और यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी हम सर्च करेंगे, तो जो रिजल्ट है वो यहाँ पर गूगल का जो सर्च इंजन है वही शो करता है। तो अगर आप इस सर्च इंजन को चेंज करना चाहते हैं या गलती से आपका जो सर्च इंजन है वो गूगल की जगह कुछ और हो गया है, जैसे कि बिंग या याहू, तो आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे करना है, सबसे पहले आपको जो है ऊपर जो थ्री डॉट्स दिख रही हैं आपको इन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करें। अभी आपको जो है सर्च इंजन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर यहाँ पर आने के बाद आपको ये सर्च इंजन का ऑप्शन ना मिले तो इसका मतलब है कि आपका आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र का जो वर्जन है वो काफ़ी पुराना है, आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा। आप प्ले स्टोर में जाकर उसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ सर्च इंजन आ चुके हैं, पॉपुलर सर्च इंजन। आप इनमें से जिसका इस्तेमाल करना चाहें या आप जिसे अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाना चाहें आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक बार ये वाला सर्च इंजन है डकडकगो, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बैक आएंगे। अभी हम यहाँ पर एक नई टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर देखिए हम जैसे कुछ भी सर्च करेंगे तो जो सर्च रिजल्ट है वो जो अभी हमने ब्राउजर ये सर्च इंजन सिलेक्ट किया है जो कि डकडकगो है, इसके थ्रू यहाँ पर हमें सर्च रिजल्ट शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल में क्रोम ब्राउजर का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।